ये हौसलों की उड़ान है। इस धरती जैसी आठ और धरतियां है। आठ और धरतियां? हम जिस धरती पर रहते हैं उसका नाम अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी के सबसे करीब है चांद। चांद को उजाला मिलता है सूरज से। का? चांद को उजाला मिलता है सूरज से? ये कैसे हो सकता है? चांद तो रात को चमकता है और रात को तो सूरज होती नहीं, तो फिर कैसे चांद को उजाला मिली है? चांद को कोनो सूरज के उजाले की जरूरत नहीं, वो खुद अपना उजाला बनावत है। तुम गलत हो। ऐसा नहीं है, हम तुमको बताते हैं। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। पर लगे हूँ सपनों के कदमों तले, आसमां है आसमां है। गाड़ी रोको ना ड्राइवर चाचा। अरे अब इसे क्या हो गया है? क्या चाहिए इसे? ड्राइवर साइड में गाड़ी रोको। अरे कहाँ जा रही हो चकोर? खोल दियो, हमको अमरी चकोरिया से मिला है। हमको अमरी चकोरिया से मिला है। दरवाजा खोलो ना। क्या घबराई क्या? जल्दी जल्दी यहाँ से। भैया हम विनती करते हैं, हमको अमरी बिटिया को देखने दो, दरवाजा खोलो। हाँ भैया जाए दो ना। भैया भैया अमरी बात सुनो। भैया छोटे मालिक, वो औरत हल्ला मचा रही है बाहर। कौन औरत है? वही भुवन की औरत। पूछे कहाँ है उसकी बिटिया? तो बता नहीं दिए तुम? चल भाग भाग भाग। अरे ये चकोरिया की अम्मा नाक में दम कर रखा है हमरे। जाकर उसे भगाओ यहां से, नहीं तो भी तुम्हारे नाक में हम दम कर देंगे। जी भैया। आपका माफ करिए, मेरा गौरी चकोरिया से मिलना है। का रे तोता मैना, भाग बौरा का बेटी से तो हाथ धो बैठे हो, आपका जान से हाथ धोना है। लाखन भैया, लाखन भैया हमारी बात सुनो। लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया अमरी चकोर का कहा है? अमरी चकोर कहा हुआ? लाखन भाई तुम चुप क्यों? कहा हुआ अमरी चकोरिया को? अमरी चकोरिया मर कराई गई। बताओ लाखन कहा किया हमारी बिटिया का? बताओ कहा किया हमारी बिटिया के साथ? क्या बोल रहा है बे? गंगा मैया की सोगन मनोहर भैया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं खिलासी और पासा को पुलिस घसीटते हुए अंदर ले गई। चकोर चकोर
हे दुर्गा माँ, आपने हमारी सुन ली, चकोर मिल गई। ये लीजिए माता रानी का प्रसाद आपके लिए। हंटर ले आइए हमारा। इस घर में जिसने भी गलती की है उसे सजा मिली है, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो या बंधु हो। इन्होंने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया है सारे बाजार। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इन्होंने बर्बाद कर दिया है हमें। हंटर कहाँ है हमारा? हंटर कहाँ है? बहरे हो गए क्या आप लोग? हंटर ले आइए। हंटर दे दो, मैं तो घर में आग लगा देंगे। अरे खड़े क्यों है ना? ले आइए हंटर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाइप से उतर के भागने की? ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा घर है, समझी? बाबा रहने दीजिए ना, जो होना था सो हो गया, और उसकी गलती नहीं थी। इसकी गलती नहीं तो क्या हमारी गलती है? जब से हमारी जिंदगी में आई है, जिंदगी में तूफान आ गया है। ना कोई सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। सब लोग अपना काम छोड़ के इसी के पीछे मरे जा रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, आपके मित्र की वजह से। कमल नारायण ने इसका अपहरण करवाया, जान से मार देते वो लोग इसे अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते वहां तो। और आप भैया जी के खिलाफ कुछ भी करने के बजाय इस छोटी सी बच्ची की गलतियां निकाल रहे हैं। ये आपका न्याय? निर्दोष को सजा देना? हां जज साहब। ईश्वर, आप बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। माफी चाहते हैं बाबा, मगर आंख पर पट्टी बांधकर सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकते हम। ईश्वर, हम जज होने से पहले आपके बाप हैं, हमें आपकी फिक्र है। ये भी बेटी है किसी की बाबा? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कमल नारायण को बचाना क्यों चाहते हैं। हम उसे बचाना नहीं चाहते हैं, हम उससे डरते हैं।